देखो रैंक पुश के लिए ना सबसे मेन चीज होता है करेक्टर कॉम्बिनेशन, तो इसलिए फ्री फायर बालों ने भी इस 45 अपडेट में कुछ खतरनाक करेक्टर को और भी खतरनाक बना दिए हैं। तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं करेक्टर के साथ बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन बना के सोलो में रैंक पुश करूंगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को करेक्टर्स बता देता हूँ जो की ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं इस अपडेट के बाद, एंड उसके बाद देखेंगे ये जो खतरनाक करेक्टर्स है ये कितना ज्यादा खतरनाक है सोलो रैंक पुश के लिए। ओके बात करते हैं फर्स्ट करेक्टर की जो की है हमारे सबका पसंदीदा अलोक करेक्टर। इस करेक्टर को अभी खतरनाक कर दिया गया है क्योंकि अभी अलोक करेक्टर जो भी बंदा यूज करेगा उसको 50 HP तुरंत मिल जाएगा, मतलब हर एक सेकंड में आप लोगों को 5-5 करके HP मिलेगा एंड 10 सेकंड तक आप लोगों को इससे HP मिलेगा और गाइस 50 HP मिल जाएगा। तो इसके साथ तो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है और गेम प्ले भी बनता है। तो गाइस देख लो अलोक करेक्टर के साथ आप लोगों को कैसे करेक्टर कॉम्बिनेशन बनाना है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक्टिव स्लॉट में अलोक को ले लेना है, उसके बाद अगर आप लोग BR रैंक में सोलो रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों को लेना है मिशा करेक्टर जो कि आप लोगों को जोन रोटेशन में मदद करेगा, एंड उसके बाद आप लोगों को लेना है मिक्सिम करेक्टर क्योंकि ओलोक करेक्टर का एबिलिटी यूज करके आप लोग फाइट लोगे एंड जब भी आप लोग डैमेज हो जाओगे ना तब कवर में आके मिक्सिम करेक्टर की मदद से 1-2 सेकंड के अंदर ही आप लोग सुपर मेडिकेट वेडिकेट मार लोगे। तो इसलिए मिक्सिम करेक्टर ओलोक करेक्टर के साथ मस्ट बी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट पैसिव स्लॉट में आप लोगों को लेना है काइरोस का एबिलिटी क्योंकि काइरोस का जो ब्रेकर मोड एबिलिटी है ना वो तो आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ अलोक करेक्टर का एबिलिटी यूज करके जब बंदे को डैमेज दोगे भाई साहब बंदा तो उड़ जाएगा। तो देखते हैं ये कॉम्बिनेशन के साथ सीरियसली गेम प्ले करके सोलो में हम लोग जीत पाते कि नहीं, बंदे को मार पाते कि नहीं। और इस कॉम्बिनेशन के साथ मैंने लोड आउट में ले लिया है सप्लाई क्रिएट एंड पेड में ले लिया है ट्रैकी पैड जो कि माय फेवरेट पैड है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते मैच के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं अलोक का जलवा। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूं मैच के अंदर, आप लोग देख सकते हो अभी गाइस फ्री फायर में अपडेट के बाद एक पोर्टल आ चुका है जहां पर आप लोगों को बहुत सारा लूट मिलता है। तो हर एक बंदा उस पोर्टल में जाके लूट कंप्लीट करके आता है। तो गाइस मैं भी जाऊंगा। तो ये लूट बना है गाइस मार्स इलेक्ट्रॉनिक पर, तो गाइस डायरेक्टली मैं चला गया मार्स इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन गाइस इधर ना बहुत सारे बंदे मेरे साथ उतरे तो मैं एकदम साइड में उतरा, उतर के गन वन लिया और देखने लगा बंदा बंदा कहां पर। इधर उधर थोड़ा सा घूमने के बाद मैंने देखा सडनली मेरे सामने एक बंदा आ जाता है, उसको मैं स्पॉट कर लेता हूं और गाइस खतरनाक डैमेज भी देता हूं, बंदा ग्लोअल मारता हूं, मैं उसके ऊपर रश कर नहीं जाता हूं, बंदा मर जाता है। तो मैं डायरेक्टली उसके लूट बॉक्स पे चला जाता हूं और गाइस लूट करने लगता हूं, लेकिन उसी टाइम एक बंदा मेरे को साइड से मारने लगता है और डर के मारे मैं पोर्टल के अंदर घुस जाता हूं और पोर्टल के अंदर तो गाइस अलग ही दुनिया होता है। तो जल्दी से जल्दी मैं इधर कॉइन कलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद जाके गन खरीद लेता हूं एंड उसके बाद ग्लाइडर की मदद से गेम में आ जाता हूं और गेम में आने के बाद मैं डायरेक्टली उतर जाता हूं भीमा शक्ति के ऊपर, उसके बाद इधर से गाड़ी ले लेता हूं और जो जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना जहां पर लूट मिलता है उसको मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूं। इधर से थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मैं चला जाता हूं थोड़ा सा सामने और उसी टाइम एक बंदे को मैं देख लेता हूं एंड इस बंदे को मारने के लिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूं और उतर के बंदे को डैमेज देने की कोशिश करता हूं, लेकिन बंदा इधर से भाग के उधर चला जाता है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जाता, मैं इधर ही रुकता हूं एंड उसके बाद जब बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है उसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूं, लेकिन बंदा भी मेरे को खतरनाक डैमेज देता है। मैं ग्लोअल मार के अपना कवर ले लेता हूं, उसके बाद बंदे को ऊपर रश करने जाता हूं और उसी टाइम बंदा पीछे से गाड़ी लेके भाग जाता है और मैं उसका गाड़ी फोड़ देता हूं, लास्ट में उसको लॉन्ग रेंज का गन से डैमेज देके इजीली मार देता हूं। इस तरह गाइस इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो जाता है 2 kill complete। तो उसके बाद मैं जाके उस बंदे को लूटता हूं, उसका लूट बॉक्स लूटता हूं, इधर और भी एक बंदा का लूट बॉक्स था उसको भी लूटता हूं एंड उसके बाद मैं गाड़ी लेके इधर से निकल जाता हूं और पिंग मेंडर मिशन को ढूंढते रहता हूं। उसके बाद थोड़ा सा टाइम इधर उधर जाने के बाद मुझे मिल जाता है पिंग मेंडर मिशन, जिधर से मैं जाके मशीन गन एक्स खरीद लेता हूं और 4x खरीद लेता हूं। मैं फिर से गाड़ी लेता हूं और इधर से निकल जाता हूं। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाने के बाद एक बंदे को मैं स्कैनर पर देख लेता हूं, तो मैं गाड़ी लेके उसके सामने चला जाता हूं और गाड़ी लेके उसके सामने जाके खतरनाक तरीके से उसको चढ़ा देता हूं, लेकिन बंदे को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आता तो मैं उतर के उसको खतरनाक हेडशॉट मार के उड़ा देता हूं। तो इस बंदे को मारने के बाद मैं 3 kill कर लेता हूं और गाइस टॉप 20 में आ जाता हूं। उसके बाद गाड़ी लेके मैं जोन रोटेशन के लिए निकल जाता हूं और थोड़ा सा सामने जाने के बाद एक बंदे को मैं देख लेता हूं, तो उसको गाड़ी से उड़ाने के लिए मैं उसके सामने चला जाता हूं, लेकिन बंदा इतना खतरनाक था उसको थोड़ा सा भी मैं डैमेज नहीं दे पाता हूं। उसके साथ मैं उतर के फाइट भी करता हूं, लेकिन बंदा मेरे को इतना खतरनाक डैमेज देता है मैं ग्लोअल का पैक लगा लेता हूं और पैक के अंदर मैं मैक्सिम करेक्टर की मदद से 2 सेकंड के अंदर ही मैं सुपर मेडिकेट मार लेता हूं। उसके बाद देखता हूं बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड मार रहा है, जिसकी वजह से मैं ग्लोअल तोड़ के फिर से गाड़ी लेके इधर से निकल जाता हूं। गाड़ी लेके थोड़ा सा सामने जाने के बाद मैं देखता हूं उस बंदे के साथ दूसरा बंदा फाइट करने आ जाता है, जिसका फायदा उठाने के लिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूं और गाड़ी से उतर के उस बंदे को स्पॉट करता हूं और देखता हूं एक बंदे को मार देता है, जिसका फायदा उठा के मैं और दूसरे बंदे को डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूं। वो बंदा विदाउट मिशा गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसको मैं इजीली मार देता हूं। उसके बाद गाड़ी लेके मैं उस बंदे के सामने चला जाता हूं और गाइस उधर से थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूं, देन गाड़ी लेके फिर से मैं निकल जाता हूं और सामने ही जाके देखता हूं दो बंदे के बीच फिर से फाइट स्टार्ट है। तो इसका फायदा उठा के मैं फिर से थर्ड पार्टी करता हूं और एक बंदे को खतरनाक डैमेज देके इजीली मार देता हूं, उसके बाद उस बंदे के सामने जाके इजीली उसको लूट लेता हूं। इस कॉम्बिनेशन के सहारे आप लोग जोन सर्वाइव कर सकते हो, जोन रोटेशन मार सकते हो एंड इजीली थर्ड पार्टी करके बहुत सारा किल निकाल सकते हो। तो उसके बाद इधर से थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मैं जाने लगता हूं जोन
के अंदर और उसी टाइम मैं वन ऑफ द बेस्ट थर्ड पार्टी करता हूँ जो कि मैं अभी तक कभी नहीं किया था। तो सबसे पहले तो मैं एलशिप की तरफ चले जाता हूँ, उधर देखता हूँ तीन बंदा फाइट कर रहा है, तो मैं इधर थोड़ा भी नहीं रुकता, मैं चला जाता हूँ दूर और जाके एकदम पत्थर का परमानेंट कवर ले लेता हूँ। और उसी टाइम देखता हूँ एक बंदा ऊपर खड़ा होकर किसको मार रहा है, जिसको मैं खतरनाक मशीन गन एक्स का डैमेज देता हूँ और बंदे को मार देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ और भी दो बंदे के बीच फाइट हो रहा है, जिसके लिए मैं वेट करता हूँ और उसी टाइम जोन भी आने लगता है, जिसके वजह से बंदे लोग निकल जाते हैं, जिसका फायदा उठा के मैं खतरनाक डैमेज देके एक बंदे को पहले मारता हूँ। उसके बाद गाइस दूसरा बंदा भी निकलता है, उसको भी मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ और गाइस इजिली मार देता हूँ। ऐसे करके इधर सबसे बेस्ट थर्ड पार्टी मैं करता हूँ, अकेले तीन बंदे को इजिली मार देता हूँ। और ये तीन बंदे को मारने के बाद मैं टॉप टू में चला जाता हूँ और अभी बस एक बंदा बचा है जिसको मैं मार के इजिली बुया ले सकता हूँ। मैं गाड़ी लेके थोड़ा सा सामने जाता हूँ बंदे को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ बंदा टावर से निकलता है, जिसके वजह से मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और उसको डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। वो ग्लोअल मारता है, उसके पास जितने भी ग्लोअल है सब मारता है, मैं उसका सब ग्लोअल तोड़ता हूँ, उसके बाद उसको डैमेज देता हूँ। जब भी बंदा डैमेज करके पेड़ के कवर में चला जाता है, मैं गाड़ी लेके उसके सामने चला जाता हूँ और सामने जाके गाड़ी से उतर जाता हूँ और उतर के खतरनाक उसको स्प्रे करता हूँ, बंदे को नॉक कर देता हूँ। उसके बाद मशीन गन एक्स से एक लास्ट स्प्रे करता हूँ और बंदा फिनिश। तो इसको मार के मैं ओपी तरीके से बुया ले लेता हूँ इस ऑलोक कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ। और इस मैच में मेरे को अच्छा खासा प्लस मिलता है क्योंकि मैंने नॉक किल किया था। तो गाइस इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग सोलो में बिंदास गेम खेल सकते हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है ओबी 45 अपडेट के बाद। ओके, अभी बात कर लेते हैं हुकोंग कैरेक्टर की, जो कि ओबी 45 अपडेट के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हुकोंग के एबिलिटी को अभी आप लोग 15 सेकंड तक यूज कर सकते हो और इसका जो कूल डाउन टाइम है वो पहले 200 सेकंड था, अभी 75 सेकंड हो चुका है। मतलब ये हुकोंग कैरेक्टर अभी के टाइम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तो इस हुकोंग कैरेक्टर के साथ जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन लेना है वो सेम लेना है, मतलब पैसिव कैरेक्टर में आप लोगों को मिशा, मैक्सिम और कायरस कैरेक्टर को ही लेना है। ठीक है, तो चलते हैं हुकोंग कैरेक्टर के साथ अभी सोलो में रैंक पुश करने। तो हुकोंग कैरेक्टर के साथ मैं लैंडिंग कर लेता हूँ पिक के अंदर। इधर लैंडिंग करने के बाद मेरे को मिल जाता है एक गाड़ी, जिसके मदद से मैं एक किल उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंदा मेरे को मार देता है। तो मैं फिर से ऑटो रिवाइव हो जाता हूँ और इस बार भी मैं पिक पर भी उतरता हूँ, लेकिन बंदे को मारने के लिए नहीं, पोर्टल के अंदर जाने के लिए। तो ओपी तरीके से मैं पोर्टल के सामने उतर जाता हूँ, उतर के पोर्टल के अंदर चला जाता हूँ, उधर से जाके एकदम अच्छा खासा लूट कर लेता हूँ। शॉर्ट रेंज में MP40 और लॉन्ग रेंज में ग्रोजा लेके मैं फिर से गेम में आ जाता हूँ। तो गेम के अंदर आने के बाद मैं चला जाता हूँ मेरे रिसप्लाई मैप के इधर, उधर जाके मैं रिसप्लाई मैप ओपन करता हूँ, उधर से अच्छा खासा लूट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे सामने सुपर एयरड्रॉप गिरता है, जिसके सामने मैं चला जाता हूँ और जाके सुपर एयरड्रॉप लूटने लगता हूँ। उसी टाइम देखता हूँ एक बंदा पत्थर के कवर में है, जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ और उसके बाद ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से उसके सामने चला जाता हूँ। लेकिन बंदा घर के अंदर चला जाता है, उसको हल्का सा मैं डैमेज दे देता हूँ। उसके बाद उसके पीछे पीछे मैं भी घर के ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर जाके हुकोंग का एबिलिटी यूज करके उसको ढूंढने लगता हूँ, लेकिन बंदा मेरे सामने नहीं आता। जब भी बंदा मेरे सामने आता है उसके साथ मैं फाइट लगने लगता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज दे देता है, मैं भी उसको डैमेज दे देता हूँ। उसके बाद बंदा नीचे उतर जाता है, मैं भी उसके साथ साथ नीचे चला जाता हूँ, लेकिन नीचे जाने के बाद बंदा गायब हो जाता है, तो उसको मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ। तो उसके कारण मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से चला जाता हूँ सुपर एयरड्रॉप के सामने, उधर आके मैं अच्छे से सुपर एयरड्रॉप को पहले लूट लेता हूँ। उसके बाद फिर से मिनी लॉन्चर की मदद से उधर चला जाता हूँ और जाने के बाद मैं हुकोंग का एबिलिटी यूज करके घर के ऊपर चला जाता हूँ। और ऊपर जाने के बाद बंदे को ढूंढता रहता हूँ, लेकिन बंदा उस साइड बैठा रहता है, तो मैं उसके साइड चला जाता हूँ और जाके उसका ग्लूअल के ऊपर उसको डैमेज देने लगता हूँ। लेकिन बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज देता है, लेकिन मैं भी उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ। वो भी मेरे को फायर करता है, मैं भी फायर करता हूँ, ऐसा बहुत टाइम तक लगा रहता है, ऐसा थोड़ा टाइम तक चलता रहता है। उसके बाद बंदे को जब मैं खतरनाक डैमेज दे देता हूँ, बंदा ग्लूअल का पैक लगा लेता है, मैं उसका ग्लूअल तोड़ता हूँ, उसको जंप करके फायर करता हूँ, वो फिर से ग्लूअल लगा लेता है, मैं इधर से जाके फिर से उसको डैमेज। उसके बाद बंदा इधर से डैमेज खा के घर के अंदर चला जाता है, मैं घर के अंदर उसके साथ साथ चला जाता हूँ और जाके इधर से एक जंप करके खतरनाक उसको डैमेज दे और बंदे को इजिली मार देता हूँ। उसके बाद जाके मैं बंदे का लूट बॉक्स लूटता हूँ और उसी टाइम मैं फुटस्टेप सुनता हूँ और एक बंदे का, तो मैं रास्ते को ग्लूअल मार के ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन बंदा खिड़की से इधर आ जाता है, मैं खिड़की को भी ब्लॉक करता हूँ और ब्लॉक करके इधर से शॉटगन लेने का ट्राई करता हूँ। लेकिन उसी मोमेंट में बंदा आके मेरे को खतरनाक डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से मैं हुकोंग का एबिलिटी यूज करता हूँ और हुकोंग बन के फटाक से ग्लूअल का पूरा पैक लगा लेता हूँ। और उसके बाद मैक्सिम कैरेक्टर की मदद से 2 सेकंड के अंदर सुपर वेंडिकेट एक मार लेता हूँ और उसी टाइम जोन भी आ जाता है, जिसकी वजह से मैं ग्लूअल तोड़ के निकलता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। लेकिन देखता हूँ बंदा इधर उधर नहीं है, तो मैं बंदे को ढूंढता रहता हूँ। उसी टाइम ड्रेकेबेट की मदद से मैं बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ, जो कि बंदा नीचे है, जिसकी वजह से मैं नीचे उतर जाता हूँ, उतर के एक खतरनाक उसको स्प्रे करता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो जाता है 2 किल कंप्लीट और मैं इजिली टॉप 15 में चले जाता हूँ। उसके बाद जोन के साइड साइड से जोन रोटेशन मार मार के थोड़ा सा सामने जाता और देख लेता हूँ एक बंदे को, जो कि मिशा कैरेक्टर के बिना जोन रोटेशन मार रहा है, तो मैं उसको खतरनाक तरीके से डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और सामने जाने के बाद देखता हूँ एक बंदा मॉन्स्ट्रक लेकर आ रहा है, जिसके मॉन्स्ट्रक को मैं मशीन गन एक्स से खतरनाक डैमेज देता हूँ और मॉन्स्ट्रक उड़ा देता हूँ। और उसी टाइम बंदा ग्लूअल मार के ग्लूअल के कवर में चला जाता है एंड उसी टाइम मैं देखता हूँ एक बंदा जीप लाइन से आता है, जिसको मैं खतरनाक स्प्रे करता हूँ मशीन गन एक्स से और उसको मार देता हूँ। उसी टाइम देखता हूँ और एक बंदा इधर से आ रहा है जीप लेके, जिसके पास भी मिशा कैरेक्टर नहीं था, और उसको भी मैं खतरनाक डैमेज देके इजीली मार देता हूँ। इसको मारने के बाद इसका जीप लेके इधर से निकल जाता हूँ नीचे जाने के लिए। उसी टाइम एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, जिसको मैं जीप से टक्कर देता हूँ और उतर के उसके सामने
चला जाता हूँ कोंग बन के, एंड बंदे को मैं स्प्रे करता हूँ, बंदा भी मेरे को डैमेज देता है। उसके बाद मैं ग्लोअल मारता हूँ, बंदा इधर से घूम के आता है जिसका फायदा उठा के मैं इधर से एक स्प्रे करता हूँ, बंदा फिनिश। उसके बाद मैं हुकोंग का एबिलिटी यूज करके ग्लोअल के कवर में चला जाता हूँ और जाके अपना हेल्थ पूरा करता हूँ और इधर से निकल जाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इधर मैंने कितने आसानी से बंदे लोगों को मार दी, क्योंकि बंदे लोग ना बिना मिशा कैरेक्टर के जोन के बाहर से आ रहे। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जोन रोटेशन मारने के लिए आप लोगों को मिशा कैरेक्टर मस्ट बी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग गाड़ी लेके आते हो। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाने के बाद देखा और एक बंदा जोन रोटेशन मार रहा है, जिसको मैं फिर से स्पॉट किया और गाइस खतरनाक डैमेज दिया, बंदे को मार दिया। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो गया था 7 किल कंप्लीट। अभी बस एक बंदा बचा था जिसको मारने से हो जाता मेरा भैया। तो उस बंदे को मारने के लिए थोड़ा सा आगे जाता हूँ, जाके पैर का कवर लेता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज देता है और उसके बाद मेरे ऊपर रश कर देता है और आते आते मेरा जो हुकोंग का एबिलिटी है ना उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मैं हुकोंग नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बंदा मेरे को डैमेज देता है, मैं भी उसको डैमेज देता हूँ। लेकिन एक टाइम में बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से मैं ग्लोअल का फिर से पैक बना लेता हूँ और अंदर बैठ के 2 सेकंड के अंदर मैक्सिमम करेक्टर की मदद से सुपर मेडिकेट मारता हूँ। उसी टाइम बंदा मेरे ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से मैं हुकोंग बन जाता हूँ और वो बंदा इधर से भाग के कवर लेके बैठ जाता है, जिसकी वजह से मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। फिर मैं ग्लोअल तोड़ के एकदम ग्लोअल से निकल के उसको मारने जाता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को डैमेज दे देता है, तो मैं दूर चला जाता हूँ और दूर जाने के बाद मेरे हाथ में पिस्तौल आ जाता है, जिसका फायदा उठा के बंदा मेरे को इजिली मार देता है। इस गलती की वजह से मेरा ये भुया मिस हो जाता है, लेकिन गाइस मेरे को अच्छा खासा प्लस मिल जाता है, क्योंकि गाइस मैंने 7 किल किया। तो इस गेम प्ले के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये हुकोंग का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है सोलो रैंक पुश के लिए। ओके, अभी बात कर लेते हैं स्काइलर कैरेक्टर के बारे में। इसका भी एबिलिटी खतरनाक कर दिया गया है। देखो स्काइलर का एबिलिटी हम लोग पहले एक बार यूज कर सकते थे, लेकिन OB45 अपडेट के बाद अभी स्काइलर को 2-2 बार यूज कर सकते हैं। तो अभी ये कितना ज्यादा खतरनाक है ये सोलो में मैच खेलने से पता चलेगा। तो गाइस इसके साथ जो मैंने कॉम्बिनेशन रखा है सेम रखा है, पैसिव कैरेक्टर में मिशा मैक्सिम और काइरोस को रखा है, ठीक है, और पैड में ड्राकी पैड को और लोड आउट में सप्लाई क्रिएट को। तो चलते हैं मैच के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं स्काइलर कैरेक्टर का जलवा। तो मैं स्काइलर कैरेक्टर लेके फिर से पिक पर उतर जाता हूँ, उतर के बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस कोई बंदा नहीं मिलता। तो जब भी बंदा मिलता है मैं उसको डैमेज देता हूँ, उसको डैमेज देने के बाद दूसरा बंदा आके मेरे को थर्ड पार्टी करके मार देता। तो मैं फिर से ऑटो रिवाइव हो जाता हूँ, होके इस बार चला जाता हूँ पोर्टल के अंदर और पोर्टल में जाके शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज लेके फिर से गेम में आ जाता हूँ। और गेम में आके मैं भीमा शक्ति के एल शिप के साइड में उतर जाता हूँ, नीचे उतर के थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं घर के ऊपर चला जाता हूँ और घर के ऊपर जाके एक बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ और उस बंदे को स्पॉट करके खतरनाक ड्रोजा का डैमेज देता हूँ और बंदे को इजिली मार देता हूँ। और उसी टाइम एक बंदा मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से मैं एकदम किनारे पे चले जाता हूँ और जाके एकदम मेडिकेट मार के अपना हेल्थ जल्दी जल्दी पूरा कर लेता हूँ। और हेल्थ पूरा करने के बाद मैं देखता हूँ नीचे फाइट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सामने जाता हूँ और उधर जाने के बाद ड्राकी पेट की मदद से देख लेता हूँ एक बंदा मेडिकेट मार रहा है, जिसको मैं खतरनाक डैमेज दे देता हूँ और उसके बाद उतर के इधर से जाके आराम से उसको एक स्प्रे करता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसे करके इधर मेरे को 2 किल मिल जाता है और उसके बाद मैं इधर ही रुकता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम इधर वेट करने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर जाके छत पे देखता हूँ कहाँ पर बंदा है, तो देखता हूँ एक बंदा ऊपर है, तो मैं उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ। बंदा ग्लोअल मारता है, मैं स्काइलर का यूज करता हूँ, उसका ग्लोअल तोड़ता हूँ, फिर से उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन बंदा कबर में चला जाता है। तो मैं उसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा कबर में आके चुपचाप बैठा रहता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम बैठने के बाद देखता हूँ बंदा इधर से भागने लगता है, जिसका फायदा उठा के मैं उसको खतरनाक फिर से डैमेज देता हूँ और बंदे को इजिली मार देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो जाता है 3 किल कंप्लीट और मैं इधर ही थोड़ा सा टाइम वेट कर लेता हूँ। उसके बाद इधर थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद मैं देखता हूँ कोई भी बंदा इधर नहीं है, तो गाइस मैं इधर से निकल जाता हूँ और निकल के थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, दोनों बंदे का लूट बॉक्स लूटता हूँ, इधर से मेरे को अच्छा खासा लूट मिल जाता है एंड सामने ही देखता हूँ पिंक वेंडर मशीन। तो मैं जल्दी से जल्दी पिंक वेंडर मशीन में चला जाता हूँ और उधर से जाके मशीन गन एक्स खरीद लेता हूँ और 4x खरीद लेता हूँ। उसके बाद फिर से जहाँ पर था उधर चला आता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम इधर वेट करने के बाद मेरे को लगता है कि जोन के बाहर बहुत सारे बंदे, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली उधर चला जाता हूँ और दूर दूर के जाते टाइम मैं चारों तरफ देख लेता हूँ कोई बंदा है कि नहीं। तो मैं उधर जाने के बाद मैं देखता हूँ एक बंदा जोन के बाहर से आ रहा है, जिसको मैं खतरनाक डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा ग्लोअल मार देता है। तो मेरे पास होता है स्काइलर, जिसकी मदद से मैं उसका ग्लोअल तोड़ता हूँ, फिर भी गाइस बंदा ग्लोअल मार देता है, फिर मैं उसको डैमेज देता हूँ। उसके बाद फिर से उसके ऊपर स्काइलर मारता हूँ, लेकिन फिर भी बंदा ग्लोअल मार देता है। तो मैं लास्ट में मशीन गन एक्स से उसका ग्लोअल तोड़ने लगता हूँ, जब ग्लोअल तोड़ जाता है मैं उसको इजिली मार देता हूँ। तो इसको मारने के बाद मेरा हो जाता है 4 किल कंप्लीट और मैं इधर से फटाक से निकल जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाने के बाद लेफ्ट साइड से एक बंदा मेरे को डैमेज देता है, तो मैं फटाक से ग्लोअल मारता हूँ। उसके बाद बंदे का ग्लोअल तोड़ के उसको इजिली मार देता हूँ। तो इसको मारने के बाद मेरा हो जाता है 5 किल कंप्लीट और उसी टाइम ना 3 बंदे 3 गाड़ी लेके मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर वेट करता हूँ, उसके बाद इसी तरह इधर से बच के बंदे का ही बाइक लेके इधर से निकल जाता हूँ। उसके बाद बाइक लेके मैं एकदम घूमता रहता हूँ जब तक ना जोन छोटा हो जाए, मतलब बाइक लेके ही सर्वाइव करता रहता हूँ। उसके बाद बाइक से इधर उधर जाने के बाद मैं देखता हूँ नीचे 2 बंदे के बीच फाइट हो रहा है, जिसका फायदा उठाने के लिए मैं बाइक से उतर जाता हूँ और डायरेक्टली उधर चला जाता हूँ थर्ड पार्टी करने। सामने जाके देखता हूँ 2 बंदे के बीच फाइट हो रहा है, तो इसका फायदा उठा के मैं एक बंदे को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। बंदा ग्लोअल मारता है, मैं स्काइलर का यूज करके उसका ग्लोअल तोड़ता हूँ एंड खतरनाक डैमेज देके बंदे को मार देता हूँ। उसके बाद इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो जाता है
6 किल कंप्लीट। उसके बाद इधर दो दो मॉन्स्टर ट्रक थे तो मैं जाके एक मॉन्स्टर ट्रक उठा लेता हूँ। उसके बाद मॉन्स्टर ट्रक लेके मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और देखता हूँ सिर्फ 4 बंदे बचे हैं मेरे को लेके, और गाइस और जोन भी एकदम खाली जगह पर बना है। तो मॉन्स्टर ट्रक का फायदा मैं उठाने के लिए मॉन्स्टर ट्रक लेके सामने जाता हूँ और जाके ही देखता हूँ एक बंदा ग्लोअल के कवर में होता है। तो मैं उसको उड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं गाड़ी से निकल के उसके साथ फाइट करने लगता हूँ और उसी मोमेंट में बंदा मेरे को हेड कनेक्ट करके इजिली मार देता है। इसलिए गाइस मेरा बुया मिस हो जाता है, लेकिन मैं टॉप 3 में जाके अच्छा खासा प्लस उठा लेता हूँ। तो यही था आज का वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उस कॉल पे सेट कर देना। ओके सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।